हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इट्स गाजियाबाद इंस्टीट्यूट के बारे में। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ये इसकी फुल फॉर्म है। इट्स गाजियाबाद एक MBA PGDM के लिए इंस्टीट्यूट है जो कि काफी फेमस है अपने एरिया में एंड मतलब दूर दूर से भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं। आज हम इसी इंस्टीट्यूट का रिव्यू करने वाले हैं MBA PGDM से रिलेटेड, जानेंगे इसका फी स्ट्रक्चर, यहाँ की प्लेसमेंट कैसी है और आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी एंड और भी ढेर सारी बातों के बारे में बातें करेंगे, इवन डायरेक्ट एडमिशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है सिर्फ गेट एडमिशन पे। इट्स गाजियाबाद एक मैनेजमेंट कॉलेज है। 1998 में ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था एंड अगर मैं बात करूँ उसकी लोकेशन की तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है एंड काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट ये इंस्टीट्यूट कह लो या कॉलेज कह लो है। तो वैसे तो इस इंस्टीट्यूट में MBA और PGDM दोनों ही कोर्सेज कराए जाते हैं लेकिन इस वीडियो में हम स्पेशली MBA के बारे में बातें करने वाले हैं। MBA से रिलेटेड अगर इस कॉलेज के बारे में बताऊँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो मतलब आपको जो डिग्री मिलने वाली है वो APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी की मिलने वाली है, काफ़ी ये अच्छी बात है। एंड अगर मैं बात करूं इसकी स्कॉलरशिप की तो यहां पे आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा इस कॉलेज का कैंपस 60 एकड़ एरिया में फैला हुआ है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत बात है। अच्छी खासी ग्रीन एनवायरनमेंट में आपको एक पॉजिटिव वाइब यहां पे देखने को मिलेगी। तो आप इस इंस्टीट्यूट को जरूर अप्रोच करें, इस कॉलेज को जरूर अपने अप्रोच करें अपने MBA कोर्स के लिए। एंड आगे बढ़ते हैं, MBA से रिलेटेड इसका फीस स्ट्रक्चर जानते हैं एंड जानते हैं यहां पे अपना एडमिशन कैसे करा सकते हैं। तो देखिए एडमिशन तो आप यहां पे अपना UPSC CAT एग्जैक्ट मैट के एग्जाम के थ्रू भी करा सकते हैं। 50% से वो आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद आप अपना इस कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। तो MBA के लिए जो इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है वो है 1.9 लाख से लेके आपको 2 लाख तक देखने को मिल जाता है। उसमें डिपेंड करता है आप कौन सी स्पेशलाइजेशन लेते हैं एंड मतलब ये अप्रोक्सीमेटली मैं आपको इस कॉलेज का बता रहा हूं। और अगर इसके अलावा मैं बात करूं आपके एडमिशन से रिलेटेड कि आपका इसमें एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो यार देखो आप सिंपल सी बात है, अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा तो आप गेट एडमिशन को भी अप्रोच कर सकते हैं। गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में, आपका डायरेक्ट एडमिशन कराने में। तो यार आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया गया, डायरेक्ट व्हाट्सएप करके भी अपने सवाल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ ताकि आपका एडमिशन हमारे थ्रू इजीली हो जाए। अब हम जानते हैं इस कॉलेज के कुछ प्लेसमेंट के बारे में। स्कॉलरशिप तो मैंने आपको बता ही दिया, तो पहले प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 27 लाख एंड एवरेज पैकेज आपको यहाँ पे 12 लाख देखने को मिल जाएगा। तो पैकेज तो इस इंस्टीट्यूट का भी काफी अच्छा है, तो आप जरूर अप्रोच करें इसको। एंड कंपनियां यहाँ पे भी काफी टॉप मोस्ट कंपनियां आती रहती है अपनी प्लेसमेंट ड्राइव को लेकर। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कितने कोर्सेज कराए जाते हैं, तो टोटल 4 कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ MBA के बारे में बात की है। PGDM की वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, इन डिटेल उसमें भी बातें करेंगे। अब MBA के लिए ये जो इंस्टीट्यूट है वो काफी अच्छा क्यों है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि MBA करें या PGDM करें। तो MBA आपका थ्योरेटिकल है, PGDM आपका थोड़ा प्रैक्टिकल ही है। इन दोनों में अपना डिवाइड करें कि आपको कौन सी चीज ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी देगी। MBA एक डिग्री प्रोग्राम है, PGDM एक डिप्लोमा प्रोग्राम है। तो वो अगर आपने डिसाइड कर लिया तो MBA आप इस इंस्टीट्यूट से करके काफी एक अच्छी अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि यहाँ की फैकल्टी भी मोस्टली PhD होल्डर है। और अगर बात करूं यहाँ के एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे आप वो आपको सारा जो इंडस्ट्री एक्सपोजर है वो जरूर प्रोवाइड कराएंगे। एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर प्रोवाइड होने के बाद तो यार आपको पता ही है, गेम समझ आ जाता है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स आपका जो प्लान है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको कैसे कैसे काम करना है। तो फिर उसके बाद आप अपने आप को एक अच्छे से मतलब लेवल पे लेके जा सकते हैं। बेसिकली बिजनेस आइडियाज है, मैनेजमेंट कोर्स है ये, तो आप उसी हिसाब से इसको समझिए। इसके अलावा अगर इसकी कुछ फैसिलिटीज के बारे में बताऊं तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएंगी क्योंकि 60 एकड़ का कैंपस है। तो आप समझ सकते हैं कैंटीन, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल एंड मेडिकल की भी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी, स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में PGDM के रिव्यू के साथ।